सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य स्वर्ण गुण संपन्न नहीं होता है, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। आज का पंचांग 18 जुलाई 2021 दिन रविवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि, रात्रि 12:29 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 12:08 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:31 से 7:10 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 18 जुलाई 2021 दिन रविवार, दूसरों के विश्वास का सम्मान करें और नम्र बने रहें। आप सफलता हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा अंतिम समय पर सावधानी नहीं रखते। जीवन अप्रत्याशित होता ही है, इसलिए इन परेशानियों की अधिक चिंता ना करें। जीवन के पथ पर उत्साह और जोश से आगे बढ़ते रहें। आज घर में खास मेहमानों के आने से काफ़ी व्यस्तता भी बनी रहेगी और इससे रोजमर्रा के व्यस्त दिनचर्या में कुछ बदलाव व सुकून भी आएगा। आप अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारने के लिए कुछ खास नियम भी बनाएंगे। अपने काम से संबंधित रुचि कम महसूस होगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझने के कारण काम को पूरा करने की कोशिश आप करेंगे। लोगों के साथ बातचीत फिलहाल कम रखें, क्योंकि जब तक मानसिक स्थिरता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप किसी गलत व्यक्ति पर गलत बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। काम की जगह कुछ बातों में विवाद उत्पन्न होंगे, लेकिन सहकर्मियों का पूरा साथ प्राप्त होने के कारण प्रोजेक्ट आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। विवाद से संबंधित कुछ निर्णय आप पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लेना पसंद करेंगे। व्यक्ति की स्वभाव को जानने के लिए आपको और वक्त लग सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। सावधानियां, विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकते हैं, बाहरी गतिविधियों में उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ अपमानजनक स्थिति बना सकते हैं, हालांकि आप पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा। आपको अपने पार्टनर को बिना कोई शर्त प्यार और समर्थन देना होगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता चल सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं ध्यान में रखते हुए पार्टनर के साथ सहानुभूति से पेश आना होगा। आप पाएंगे कि इससे आपका रिश्ता मजबूत हुआ है। अपने पार्टनर को जांचने में कठोर ना बने, बल्कि अपने रिश्तों में इस तूफानी समय से निकलने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा, जिसमें उनकी बात प्यार से सुनना भी शामिल है। बात करते हैं करियर की। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्यों के प्रति प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले कर्म के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यक्रम में अच्छे स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन करियर के अवसर आ जा सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। दिन की शुरुआत में काफ़ी
दौड़ धूप रहेगी। दोपहर बाद किसी के सहयोग से काम बनने भी शुरू हो जाएंगे। रियल इस्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान महसूस हो सकती है। अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा भी बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही है कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिए। आज का उपाय, आज आप चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।